बीजेपी के नेताओं को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था सर्वसम्मति से जो है ये फैसला लिया गया है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनता है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को नाराजगी जरूर होती है, लेकिन यहां पर हमने ये देखा कि तमाम जो नेता बाहर निकल रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सर्वसम्मति से यह फैसला जो है लिया गया और विष्णुदेव साय को जो है अब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का नियुक्त किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही होगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने विष्णुदेव साय के सीएम के चेहरे पर क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिए कि जश्न का माहौल जो है वो साफ तौर पर दिखाई दिया। मीडिया में जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे, लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे देश हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूं कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं, संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे। सर, सीएम के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर नहीं? अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया। विष्णुदेव साय को सीएम का ऐलान किया गया कि वो अब अगले मुख्यमंत्री होने रहे हैं। इसके बाद ही उनके गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। सीएम बनाने की खबर आने के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। विष्णुदेव साय की मां ने सभी का मुंह मीठा कराया। बेटे के सीएम बनने पर माताजी क्या कह रही हैं, क्या उम्मीद है, जरा सुनो। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ विष्णुदेव साय की तस्वीरें जब उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, बधाई दी जा रही हैं क्योंकि वो अब छत्तीसगढ़ की कमान संभाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो गौरवान्वित माँ की तस्वीर है जो कि बेहद खुश हैं और बहुत खुशी उन्होंने जाहिर की, लोगों को मिठाई खिला रहे हैं और उम्मीद जाहिर कर रही हैं कि एक आदिवासी चेहरा दिया गया है तो निश्चित तौर पर वो छत्तीसगढ़ के जन कल्याण के लिए काम करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है, इससे और क्या हो सकता है।